हेलो एंड वेलकम टू एवरीबॉडी। आज हम एक म्यूज़िक वीडियो रिव्यू करेंगे जो कि एक फ्री स्टाइल रैपर की है, जिनको आप सभी जानते ही होंगे, जो रणवीर पाजी हैं, जो हमारे इंडिया में फ्री स्टाइल के लिए बहुत फेमस हैं। और उन्होंने इस वीडियो में एमए बंटाई को डिस किया है। समझ रहे हैं आप, डिस करने का कुछ खास रीज़न नहीं था, पर उनका मन था तो डिस कर रहे हैं। सब लोग तो यही कह रहे हैं कि वो नेम फेम के लिए कर रहे हैं। तो लेट्स गो सच्चाई रिव्यू। पहला पॉइंट, वीडियो आनी थी रात को 11 बजे, आई 4 बजे। क्या पाजी बहुत बड़ी वीडियो थी क्या? चलिए कोई नहीं, आई तो बहुत छोटी वीडियो है, लगभग 1 मिनट 12 सेकंड की है। चलिए दूसरी बात, चलिए वीडियो देखते हैं। अभी अभी देखा मैंने एक स्टोरी, कोई बंदे ये फ्री स्टाइल बैटल बैटल अभी तो हुआ है दूसरे। अभी मुझे लगी बना हिप हॉप के सीन में आगे के 15 सेकंड हमारे रणवीर पाजी ने कुछ ऐसे बातें की जो अपने हिप हॉप में है ही नहीं, शायद उन्होंने इन्वेंट की हो। जैसे कि डिस का विस तो नहीं चलता, फ्री स्टाइल का वी स्टाइल भी नहीं पाजी चलता। आखिर ये क्या होता है? चलिए पाजी आगे सुनते हैं। अभी मुझे लगी बना हिप हॉप के सीन में फिर होने वाला एक कतल, तुझे लगा हुआ तू सफल, तेरे से भी बहुत ज्यादा मात्रा में है असल, दुआ करो हटे ना अकल, बरसों में कभी तो खराब फसल, कैसे उतारेगा तू नकल, चूस लूंगा खून तेरा कर दू खराब शकल। मेरा भाई जरा साइड देना, जाना मुझे लीरी करी है, तेरे बस की ना खाना, तुझे रस क्यों ना आए, इसे रस देना साथ में जो मांगेगा ये चाय, इन्हें कभी कोई याद तू दिलाए, छापे करियर में नोटों से चा लगाने भाई, इनके फोटो पे चढ़ाने को हार भी मंगाए, इनके करियर को और जरा लात तो लगाए, जब देखो साला बात करता नल्ली, तू मिल लेना हो चाहे सड़क या गली, तू फील लेना भाई तेरा कर देगा उंगली में, फ्री स्टाइल का किंग तू हिप हॉप की खुजली, मत किया कर बे बात बड़ी बड़ी, तुझसे होगा नहीं कुछ भी, तू मत करना। पाजी आपने एक वर्ष में बस डिस किया और इतनी छोटी वीडियो है कि वायरल भी ना होगी यूट्यूब के द्वारा। पाजी आपने लिरिकली हाई बोल रहे हैं आप इस वीडियो में अपने आप को, पर आप लिरिकली कुछ ऐसा पंच कुछ ऐसा हुक तो मारा ही नहीं जिससे हाई दिखे। चलिए कोई बात नहीं, इसमें वॉव फैक्टर तो कोई नहीं है, ये लग रहा है जैसे आप एमएवे को डिस कर ही नहीं रहे। और परेशान मत होइए, एमएवे आपका रिप्लाई भी नहीं करेंगे। अच्छा, आपने इतना टाइम लिया तो आपको कोई अच्छा डिस लाना चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्ट बीट ढूंढनी चाहिए, आपने तो उसको एक वर्ष में ही कंप्लीट कर लिया। और हाँ, एक बात और भूल गए, मिक्सिंग मास्टरिंग में एक चीज़ फेड आउट होती है, आपने लास्ट में बीट को फेड आउट नहीं किया तो और समझ में आता है कि जानबूझ के आपने बीट कट की है। चलिए बाय, गॉड ब्लेस यू, डिस आपका कमज़ोर रहा, हम 5 स्टार में आपको 2 स्टार देंगे।